आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा एलसीएम एंड एलसीएफ। काफ़ी बच्चों को ये कंफ्यूज होता है एलसीएम एंड एलसीएफ में, तो मैं सोचा कि आज इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से ही हम फैक्टराइजेशन भी देख लेंगे इसी में। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा एलसीएम एंड एलसीएफ। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, इसमें आपको कुछ ट्रिक भी बताऊँगा। ट्रिक क्या मतलब, उसको आप फॉलो करोगे तो आप सिंपली कर लोगे चीज़ें इसमें। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं एलसीएम एंड एलसीएफ। पहले लेते हैं हम एलसीएम। देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं हम। कहने मतलब ये मेरा कि जो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का लीस्ट कॉमन ठीक, हमारा क्या हुआ एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, मतलब सबसे जो छोटा हो लोवेस्ट मल्टीपल्स में, मान लो कोई नंबर हम ले लेंगे उसके हम मल्टीपल्स करते जाएंगे, जो उन कोई भी दो नंबर का होगा उसका मल्टीपल करेंगे हम, उसमें जो सबसे कॉमन जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा एलसीएम कहते हैं उसको हम। ठीक है, वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। चलिए तो आज हम एलसीएम पहले शुरू करते हैं, अभी इसके बाद हम एलसीएफ करेंगे। चलिए हम एलसीएम को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर बैठ ना। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम उसमें कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले करते हैं, बस छोटे से नंबर से लेते हैं। ठीक है, हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के लेते हैं एलसीएम। मान लीजिए हमारा कोई नंबर ले रहे हैं हम, क्या है भाई छोटे नंबर से करते हैं हम, तो मैंने लिया 4 और क्या है 8। ठीक है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है, 4 है और 8 है, इसका हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो पहले हम फैक्टराइजेशन देखेंगे हम क्या कैसे कहते हैं, मतलब कहने मतलब ये क्या है इसका कितने किस किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है, उसके जो भी नंबर्स आएंगे उसमें फैक्टराइजेशन होंगे। ठीक है, तो हम एलसीएम करते हैं। मान लीजिए 4 और 8 का एलसीएम दिया है हमें, मतलब नंबर दिया है उसको एलसीएम फाइंड करना है। हम मान लीजिए ले रहे हैं हम 4, पहले अलग अलग करते हैं फिर आपको दोनों को एक साथ हम करके दिखाएंगे। 4 है, इसका हमें एलसीएम लेना है, तो हम क्या करें पहले 1 से डिवाइड करते हैं, मतलब ये आता है 4 टाइम्स। दूसरी बार नंबर लेते हैं हम 1 के बाद क्या आता है, जो कि इसमें एलसीएम क्या होता है कि हमें कोई भी छोटे से बड़ा नंबर बढ़ना है। ठीक है, असेंडिंग जैसे, तो हमारा 1 है, फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड होगा 4 हमारा था, तो 2 टाइम्स में होगा 4 होगा, फिर ये 2 है, फिर 2 से जाएगा, ये हमारा 1 कट गया। बच्चे लोग यहाँ से करते हैं 1 नहीं करते हैं, तो वह करते हैं इसलिए नहीं करते हैं कि हम कोई भी मान लीजिए नंबर है उससे हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार हमें वही नंबर मिलेगा, मतलब 1 से 4 में करेंगे तो 4 टाइम्स ही जाएगा, मतलब वो फिर से वही नंबर आ जाएगा, इसलिए हम 1 से ना लेंगे सिर्फ 2 से करते हैं। ठीक है, ये हमारा है, देखिए ये हो गया 1 2 2। इसका हम फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर्स इसका लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा हमारा 1 into 1 into 2 into 2। ठीक है, अब कोई नंबर ले रहे हैं हमारा दूसरा नंबर कौन सा हमारा 8 है। ठीक है, इसको हम 1 से मालूम करते हैं 8 टाइम जाता है, देखिए वही नंबर आ गया, इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर लीजिए हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक, समझ गया आप, ऐसे ही रहेगा, इसे हमेशा आएंगे फिर एलसीएम कर देते हैं क्योंकि यही नंबर सेम आता है हमारा फिर। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 के टेबल में मल्टीपल करने पे 2 का 8 आता है हमारा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, मतलब कि 4 टाइम्स में हमारा 8 आ रहा है, तब क्या करेंगे इसको 4 ले देंगे, 2 4 8। ठीक है, मतलब मल्टीपल से खेल है, कितने बार जो हो रहा है तो नंबर आ रहा है, मतलब कोई भी नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं
कितने मल्टीपल्स में वो नंबर आ रहा हमारा। मान लीजिए मैं 8 है, मैंने 2 से किया, 2 से मैं कर रहा हूँ, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, तो मतलब ये 4 टाइम से हमारा 8 आ रहा है, 8 फिर हमारा क्या है 4, दूसरा क्या है 4 है, फिर इसको क्या करेंगे 2 से करेंगे, क्या हो गया 2 2 4, फिर 2 आया हमारा, फिर 2 से करेंगे 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर है, देखिए 2 × 2 × 2 क्या हो गया, फिर हम क्या करेंगे फैक्टर्स ऑफ 8, हमारा क्या हो जाएगा 2 × अब इसको चाहो तो नहीं मत लिखो, कोई बात नहीं, इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि वन सब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही नंबर आता है, ठीक है। 2 × 2 × 2, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, इसमें पहले लिस्ट, सबसे छोटा नंबर लिस्ट लेंगे, मतलब कॉमन करेंगे पहले, हो गया। फिर क्या रहा हमारा, या इसको पहले लिखेंगे हम, ठीक है, इसको हम पहले लिखेंगे, आ गया 2 × 2, दो कॉमन थे इसमें, दो नंबर में एक 2 बच रहा है, तो इसको भी हम लिखते हैं एलसीएम में। एलसीएम में कॉमन को लिखते हैं, कॉमन दोनों में फैक्टर करने के बाद वो तो हम लिखते ही हैं, जो बचता है दोनों में उसको भी लिखते हैं, जो रिपीट होता है कॉमन होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। मगर ये 2 2 इसमें कॉमन हुआ आपका, फैक्टर निकाले हैं हम, 2 × 2 हुआ, फैक्टर 8 किए तो 2 × 2 × 2, ठीक है। इसमें जो कॉमन होगा इसको हम लिख दिए, जितना कॉमन होगा उतना एक ही बार लिखेंगे हम, 2 बचा तो हम यहाँ पर 2 लिख दिए, तो हम देखिए क्या आ रहा है एलसीएम, 2 2 4 4 2 8, क्या है हमारा एलसीएम, ठीक है, समझ आया आदित्य, समझ में, ये सब ऐसे हमारा होगा एलसीएम, ठीक है। चलिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ इससे अलग से निकालने का, ध्यान से सब लोग, ठीक है। मान लीजिए कि हमें एलसीएम दिया, कह रहा है कि कोई एलसीएम है, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 6 8 10, क्या कह रहा है, हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो कौन सा इस नंबर का एलसीएम क्या होगा, हमें क्या करना है, पहले हम 2 चीजें देखेंगे, अब 3 का देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे 3 से 4 का देखेंगे। ऐसे इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करोगे आप, इसका सीधा हम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब तो क्या हमारा क्या हो गया आपका 2 का 2 1 6 का है 2 3 जा, अब 3 से कटेगा ये सिंपल 8 है, इसको हम क्या करेंगे 2 से करेंगे, भाई 8 है तो 2 से कटेगा ना, क्या हो गया हमारा 4 टाइम्स में 2 2 जा 4, फिर 2 कटेगा 2 से, क्या 1 हो गया, तो हमने क्या कर दिया इसको कटा दिया, ठीक है। अब इसके हम फैक्टर्स लिखते हैं, क्या क्या फैक्टर्स, मतलब कितने फैक्टर, क्या मल्टीपल आए हैं उसके, तो हम लिखेंगे इसका 2 का क्या आया हमारा 2 का 2, 3 क्या आया हमारा 2 × 3, 8 क्या आया, सॉरी 6 है ना हमारा, ये 6 6 है, 8 क्या आया हमारा 2 × 2 × 2, ठीक है। से इसका 2 आया, 2 का फैक्टर किए तो 6 का गया 2 × 3 आया, 8 का फैक्टर किए हम तो 2 × 2 × 2, ठीक है, 3 फैक्टर आया। अब हम इसका कॉमन करेंगे, पहले इसमें कॉमन लेंगे हम, क्या कॉमन आ रहे हैं तीनों में, कॉमन क्या करें, क्या है हमारा 2 कॉमन आया, कोई और नंबर कॉमन आ रहा है आपका, देखिए नहीं आ रहा ना कोई कॉमन,
इसको हम लिख देंगे ऐसे, क्या लिखोगे आप? टू, जो पहले कॉमन आ रहा है टू लिख लिया आप तीनों में। देखिए कभी भी क्या है कि मैं दो नंबर आ रहा था, दोनों में कॉमन ले रहे थे, तीन नंबर रहेगा तो हम तीनों में कॉमन लेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे दो नंबर है, मान लो यहाँ पे तीन है ना, यहाँ भी तीन होता, इसको कॉमन नहीं करते हम। मतलब कह रहा है कि तीन नंबर का हम एलसीएम निकाले हैं, तीन नंबर का 2, 6, 8। जब हम दो नंबर का निकाले थे एलसीएम, दो नंबर का दोनों में कॉमन दिख रहे थे, उसी को एक बार लिख दे रहे थे। जब तीन नंबर का कॉमन होगा तो तीनों में होना चाहिए कॉमन वो नंबर। ये नहीं कि तीन में कॉमन उसको भी लिख दिए, एक में ना छोड़ के दो में कॉमन हो रहा है उसको लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। तीनों में होगा तीनों में कॉमन, चार अगर हुआ तो चारों में कॉमन। सिंपल, इसका एक कॉमन हो गया इसमें, अब जो बच रहा है उसको हम लिख देंगे सीधा। क्या बचा? 2 × 2 × 3। देखिए 2 कॉमन ही बचा, ये लिख दिए, फिर इसको लिखे हम, फिर इसको लिखे हम, फिर 3 को लिखे हम। इसका क्या क्या आएगा आप जो जोड़ो आप करो आप लोग, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। ठीक है, क्या आपका आंसर आ गया है? 24 आपका आंसर आ गया। चलिए हो गया, ये बात समझ गए आप? चलिए चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे आप कर लोगे। मान लो कोई नंबर दिया है हमारा, 4 दिया है, एट दिया है, और क्या दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है, 32। अब कहे कोई हमें, सिंपल सी बात है, और इसे सब ये ट्रिक भी एक तरह से आप डाइट कर लोगे ऐसे। ऐसे में फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इसका हम क्या करें, एलसीएम निकालना है हमें। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है इसका हमें। इसका एलसीएम क्या होगा, डैड करना है। हमारा क्या था भाई एलसीएम में, कि वो नंबर उससे मल्टीपल होना चाहिए। एलसीएम डैड फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, इसमें कौन सा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 32। 32 को हम नंबर को ले लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो बड़े नंबर को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, अब जितने भी नंबर बच रहे हैं आपके, 4 बचा, 8 बचा, 16 बचा, हम क्या नंबर, इस नंबर को हम ले लिए भाई, 32 हम मान ले रहे हैं क्या हमारा है, क्या है, एलसीएम है। मान लेते हैं हम सबसे बड़ा जो नंबर है उसको उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारा एलसीएम है। अब कैसे हम इसको चेक करेंगे हमारा एलसीएम है कि नहीं है, मतलब आंसर लाने ट्रिक क्या है हमारा, 32 को ले लिए सबसे बड़े नंबर को, 4 को हम टेबल, अब उसको मल्टीपल करेंगे, क्या 32 हमारा आ रहा है 4 के टेबल में, 4 के करेंगे तो 4 8 जा हमारा, ये 4 1 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। हमारा ये कितने बार में आ रहा ऐसे देखो, 8 बार में। ठीक, हमारा 8 बार में 42 आ रहा था, क्या आ रहा हमारा, 4 8 8 जा 32 आ रहा है हमारा। ठीक, अब देखो क्या है, ये हमारा क्या है भाई, कि हमारा ये 4 का मल्टीपल हमारा 32 हो रहा है, ये हमारा ठीक है। दूसरा नंबर लेंगे हम, दूसरे को चेक करो, क्या 32 आ रहा है हमारा, मल्टीपल हो रहा है, मतलब 8 का मल्टीपल है 32, तो हम चेक क्या करेंगे, 8 का टेबल पढ़ो, 8 1 जा 8 8 2 जा 8 3 जा 24, तो हमारा 8 2 जा क्या आ रहा है, ठीक है, 8 3 जा 8 4 जा 32, हमारा 8 4 टाइम्स में क्या रहा हमारा, 8 × 4 टाइम्स क्या रहा हमारा, आ जा रहा हमारा, क्या इसका भी हमारा मल्टीपल है। अब 16 का हम करेंगे, 16 का क्या, 16 का टेबल में 32 आ रहा, मल्टीपल है उसका 16 का, हाँ 2 टाइम्स करेंगे हमारा, 16 62 जा 32, तो क्या है हमारा, इससे भी ये चला जा रहा है,
16 2 जा 32, तो क्या हुआ हमारा इस नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 24। ये नंबर मैं आपको बताया हूँ, ये वाला नंबर ये सिर्फ आपको समझने के लिए बताया हूँ ताकि आप समझ जाए मैं कैसे किया हूँ। तो क्या कहना हमारा 32 जो सबसे एलसीएम में क्या होगा, मान लो कोई नंबर दे दिया हमें, सिंपल सी बात है कोई नंबर दे दिया हमें, उसको हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है हमें। तो हम सबसे बड़े वाले को ले लिए, मान लो हम सबसे छोटे वाले को नंबर ले लेते हैं, इसका मान लो एलसीएम बना देते हैं, तो भैया हमारा जो ये 4 क्या 32 टेबल में आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि छोटा है। तो हमें सबसे बड़ा नंबर लेते हैं भाई, जो सारे बड़े बड़े नंबर सबका नंबर है, नंबर दिया है हमारा एलसीएम फाइंड करने के लिए, 4 नंबर दिए अलग अलग, तो सबसे बड़े नंबर को क्या करेंगे हम, अलग अलग दिया आपको देखिए 4 8 4 8 16 और क्या ये 32 है हमारा। इसका हम सबसे बड़ा नंबर क्या ले लीजिए 32, और हर नंबर से मैंने उसको मल्टीपल किया, क्या वो नंबर कट रहा है, अगर वो मल्टीपल आ रहा है टेबल में आया तो क्या हुआ हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, इसको हम चेक कर दें एक बार, उसे चेक करते हैं हम, ठीक है सही है गलत है, चलिए इस बार मैं चेक करता हूँ इसको एक बार। चलिए 4 ले लूँ मैं, 2 2 जा 4 2 1 जा 8 का ले लो आप, 2 4 जा 2 2 जा सही है और क्या ले लिए हम 16 ले लिए, 62 से कटेगा। देखिए अभी की ख़त्म होगा हमारा, या मैंने कोई वीडियो बना के उसका क्या डाल दूंगा, डिविजिबिलिटी रूल डाल दूंगा भाई, कोई भी नंबर दिया है तो सब पता कैसे करेंगे, 2 से भाग्य है मैं भाज्य है कि नहीं है, 3 से है या 4 से है कि नहीं है, ठीक है जो उससे रूल होते हैं मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है आप समझ जाओगे। 2 से कट रहा है हमारा 16, 8 टाइम्स 2 के 4 टाइम्स में 2 2 जा 4 2 1 जा 2 हो गया। अब इसको चेक कर लो आप एक बार, 2 का क्या फैक्टर क्या हमारा 4 का, 2 into 2 8 क्या हमारा 2 into 2 into 16 का फैक्टर क्या हमारा into 2 into 2 into 2 ठीक है ये हमारा क्या 32। इसका भी निकाल लेते हैं हम चेक कर रहे हैं ना भाई, हम तो निकाल लिए हैं आंसर, हम चेक कर रहे हैं भाई इससे सही निकाले नहीं निकाले, हमारा जो ट्रिक है तरीका है काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक 2 16 जा 32 2 8 जा 16 2 को टेबल पढ़ोगे 4 टाइम्स तो 8 आएगा, 2 2 जा 4 2 टेबल पढ़ोगे तो 1 आ गया, कितना हो गया 32 का 2 into 2 into 2 into 2 into 2 सही है 1 2 3 4 5 सही है ना हमारा। ठीक है एक बार देख लो आप सही किया नहीं किया, देख लो आप सही है। चलिए इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें देखो इसका ये 2 कॉमन आ रहा सब में, 2 कॉमन आ रहा है ना हमारा भैया, ये 2 भी कॉमन आ रहा है, देखो आप कॉमन आ रहा है अभी, ठीक है ये कॉमन हो गया हमारा, और कॉमन आ रहा है तीनों में नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे इसको हम लिख लेंगे, इसको देखो आप एक बार कैसे मैं कर रहा हूँ, इसका भी कॉमन लेते हैं हम, इसका भी कॉमन लेते हैं, क्या हमारा आ गया कितना जाएगा, 3 कॉमन 4 कॉमन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 into 2 जो ये बचा है हमारा, क्या आंसर आ रहा हमारा
एट, एट टू जा सिक्सटी टू जा क्या हमारा ये सही हुआ हमारा। इसी तरह हम सो लेंगे। कोई भी एलसीएम दिया रहेगा निकालने के लिए हमें कोई भी इसके थ्रू ऐसे करेंगे। जितने कॉमन बचेंगे उतने कॉमन हम लिखते जाएंगे, ठीक है, जितने कॉमन जिसमें जितना कॉमन आ जाए।